एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। आरोप है कि गांव में गश्त करने गई पुलिस से एक महिला की धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में महिला को चोट लगी और महिला की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से महिला की मौत हुई है। दरअसल महिला के परिवार के चार लोग जेल से छूटे थे, पुलिस इन चारों के घर पहुंचने की तस्दीक कर रही करने आई थी और खबर यह भी है कि पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यूपी के फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। गांव में गश्त करने के लिए पुलिस गई थी, एक महिला के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की के बीच महिला को चोट लगी और महिला की मौत हो गई। ये आरोप पुलिस पर लगे हैं। सो रही थी अपने माँ के पास, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमको जगाया तो उन्होंने ना पहले मेरे भाइयों के बारे में पूछी थी कि तुम्हारे भाई कहाँ है, माँ से पूछ रहे थे तो मेरी माँ ने ये बोला सर वो यहाँ पर है नहीं है, फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ा था, वे गला पकड़ा हुआ उनको झपटा था, उनको ज़मीन पर गिरा दिया था। फिर मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं अपने चाचा जी के पास गई थी, उनको लिवा के लेके आई थी, तब दोनों ने मेरी माँ को देखा, फिर अपने लोगों के पास फ़ोन किया, दूसरे फोन से 100 नंबर गाड़ी पर फ़ोन किया था, फिर वो आए थे उनको लेके मेरी माँ को लेके चले आए थे, कह रहे थे अभी इनको जाना है, वो लेके चले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, इस मामले को लेकर जांच और कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, शारदा नाम की जिस महिला की धक्का मुक्की में मौत हुई है, उसके पति के तहरीर पर 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कैलाश चंद्र उपाध्याय, शिवकांत उपाध्याय, दीपक और 2 अज्ञात शामिल है। पचोखर पुलिस के लोग जब रात को पहुंचे थे गश्त के नाम पर, महिला से कुछ वाद विवाद हुआ और उसके बाद आरोप है कि धक्का मुक्की करके महिला को धकेला गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। ऐसे में जांच हो रही है, अब मुकदमा दर्ज हुआ है और एसएसपी ने साफ कहा है कि इस मामले में अगर दोषी जो होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो पहली कार्रवाई एफआईआर की है और एफआईआर के बाद इस मामले में जांच होगी और जांच के बाद जो भी पुलिस उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेगी। लेकिन फिलहाल लोगों के आरोप पर और गुस्से पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने अभी फिलहाल एफआईआर की कार्रवाई कर दी है। जी रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।